नमस्कार, मैं हूं नीलाक्षी, एक वेलनेस कोच। और आज के योग दिवस पर मैं हरियाणा न्यूज़ के सभी दर्शकों के लिए कुछ ऐसे व्यायाम, ऐसे योगासन लेकर आई हूं, जिसे इस्तेमाल करके आप खुद को तंदुरुस्त कर सकते हैं। चाहे आप कितने ही बिजी हों, ये आसन आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको हेल्दी बनाएंगे और आपको बहुत फ़ायदा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे ताड़ासन से। यह आपके स्पाइन को सीधा करता है। इसके लिए अपने दोनों पैरों को एक साथ ले आइए और अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह से इंटरलॉक कर लीजिए और धीरे से सांस खींचते हुए हम अपने शरीर को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और पैरों में, हाथों में एक सीधापन लेकर आएंगे और एक्सहेल करते हुए नीचे आ जाएंगे। एक और बार करेंगे, इंटरलॉक योर फिंगर्स, पैरों को उठाते हुए पंजों के बल पर सांस लेते हुए हम ऊपर जाएंगे। कमर को सीधा रखें, पैरों को सीधा रखें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हम नीचे आ जाएंगे। इस आसन से आपकी कमर सीधी होती है, आपके पोस्चर में बहुत ज़्यादा फायदा आता है। दूसरा आसन हम करेंगे वो है वृक्षासन। इसके लिए हम अपने तलवे को ठीक अपने थाई के इंटरनल पार्ट पर ले आएंगे और यहाँ पर लाके हम अपने पैर को बाहर की तरफ रखेंगे। ध्यान देंगे कि कमर उठे ना, सीधी ही रहे। और हम इसको यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं और आप ऊपर भी ले जा सकते हैं अपने हाथ इसके लिए। ये क्रिएटिविटी को फ्लो करने के लिए एक बहुत ही अच्छा आसन है। यह आपके सेक्रल चक्र को मजबूत बनाता है। उसके साथ साथ ये आपके पैरों से बैलेंस को भी आगे अच्छा बनाता है। इसी को हम दूसरे पैर पे भी करेंगे और हम इस आसन में थोड़ी देर के लिए रहेंगे। इससे आपके पैरों की मसल स्ट्रांग होती हैं, आपका ब्लड फ्लो कंट्रोल होता है और माइंड, मन शांत होता है। अगर शुरू में आपको ये करने में दिक्कत आए तो आधा पद्मासन और आधा वृक्ष आसन कर सकते हैं इस तरह से। अब जो अगला आसन हम करेंगे वो है त्रिकोणासन। ये आपके वजन को मेंटेन करने के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। इसके लिए अपने दोनों पैरों को थोड़ा खोल लें और फिर हम जिस डायरेक्शन में जाएंगे उस तरफ के पंजों को उस तरफ ले जाएं। हाथों को एक लाइन में रखें, अब कमर से आगे को झुकें और सांस छोड़ते हुए हम ऊपर की तरफ जाएंगे और अपनी उंगलियों की तरफ देखेंगे और धीरे धीरे हम यहाँ पर वापस आएंगे और सेंटर में आ जाएंगे। इसी विधि को हम दूसरी तरफ भी करेंगे। तो पंजों को बाहर की तरफ ले जाएं और बॉडी को आगे खींचते हुए हम नीचे की तरफ झुकेंगे और आँखों की तरफ देखेंगे। अगर ये आपके लिए शुरू में काफ़ी दिक्कत हो रहा हो तो आप इसको आधा भी कर सकते हैं, आप यहाँ तक भी कर सकते हैं। अपना हाथ अपने घुटने पर रख लीजिए और फिर सेंटर पे आइए और फिर यही चीज़ आप दूसरी तरफ करेंगे। बॉडी को आगे ले जाते हुए हाथ घुटने पे सपोर्ट लेते हुए आप इसे ऊपर की तरफ रखेंगे। इस आसन से आपका वजन मेंटेन होता है, बैलेंस रहता है, उसके साथ साथ आपकी कमर भी पतली होती है और आपके बॉडी में, आपके लोअर बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ती है। अब हम करेंगे एक सिंपल आसन जिसे हम कहते हैं मार्जरी आसन और बिकलासन। यह आपकी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए बेहतरीन आसन है। इसे आप सुबह उठते अपने बेड पे भी कर सकते हैं। मार्जरी आसन बिकलासन के लिए हमें अपने घुटनों पे आ जाना है और इस तरह टेबल टॉप पोजीशन में आ जाना है। हमें अपने रिस्ट को, कलाइयों को ठीक कंधों के नीचे रखना है। पैर नीचे को बेंड रहेंगे, सांस अंदर खींचते हुए हमें ऊपर की तरफ देखना है और सांस बाहर छोड़ते हुए हमें कमर को मोड़ना है और नीचे की तरफ आना है। एक और बार करेंगे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस आसन को करने से आपके स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। अगर आपको लगता है कि आपको कंधों में हमेशा एक तरह की जकड़न महसूस होती है तो इस आसन को करने के बाद आपके कमर में ऊपर की
हिस्से में, नीचे के हिस्से में एक लचीलापन आएगा, तो इसको आप ज़रूर आजमाएं। एक और आसन जो आपको बहुत ही मदद करेगा, अगर आप दिन भर काम करते हैं, झुककर लैपटॉप्स पे काम करते हैं या लिखते काफ़ी हैं, वो हमारे भुजंग आसन है। भुजंग आसन के लिए आप कमर पर इस तरह से लेट जाएं और अपने हाथ अपने कंधों के नीचे रखें। अभी शुरुआत में हमें पूरा नहीं उठना, हम सिर्फ आधा उठेंगे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। शुरू में आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं जहां आप थोड़ा सा ही शरीर को उठाएं। हमें पूरा शरीर को शुरू में उठाने की जरूरत नहीं है, वरना वो हमारे लिए काफी मुश्किल हो सकता है। कहीं पे भी अगर शरीर पर जोर पड़ रहा है तो शुरू में उसे हल्का होने दें, ज्यादा मेहनत नहीं करें, ज्यादा जोर नहीं लगाए, पुश नहीं करें अपने आप को। तो चलिए अब हम नेक्स्ट आसन पे आते हैं। ये भी हमारी लोअर बैक को सपोर्ट करने में हेल्दी होता है, मगर अगर आपका कोई भी लोअर एब्डोमेन इंजरी हो तो आप इसको ना करिए। इसके लिए आप इस तरह से बैठेंगे और कमर नीचे ले जाएंगे। ये है हमारा सेतु बंधासन, ब्रिज पोज। शुरू में आप अपने हाथों को इस तरह से पकड़ लें, ध्यान रखें शोल्डर्स नीचे की तरफ आ रहे हों, ऊपर ना उठें, और हम धीरे धीरे अपनी कमर से शरीर को उठाएंगे और अपने हाथों को अंदर की तरफ ले जाएंगे। आप अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करके नीचे की तरफ खींच भी सकते हैं आगे जाके। और धीरे से हम इस आसन से बाहर आ जाएंगे। इस आसन को भी आप 3 से 4 ब्रेथ के लिए होल्ड कर सकते हैं, 10 से 15 रेपिटेशंस काफ़ी हैं इसके लिए। ये आपके लोअर बैक को स्टेबल करेगा, आपके चेस्ट में भी एक स्ट्रेंथ बनाएगा, और जो लोग थ्रोट चक्रा के ऊपर वर्क कर रहे हैं अपने विशुद्ध चक्र पे, उधर ये ब्लड फ्लो बेहतर करता है, ये थायराइड में भी आपको आराम देता है। अब हम नेक्स्ट आसन पे आते हैं, वो है हमारा सबसे आसान आसन, पवन मुक्त आसन। उसके लिए भी हम इस तरह से लेट जाएंगे और दोनों घुटनों को हम अपने छाती की तरफ लेकर आएंगे सांस छोड़ते हुए, और अपनी चिन को इसकी तरफ लेकर आएंगे। इसको भी हमें 3 से 4 में ब्रेथ के लिए होल्ड करना है, 3 से 4 सांसों तक हम इसको होल्ड करेंगे और हम इसको रिलैक्स कर सकते हैं। इसको करने का एक और तरीका है कि आप अपने एक पैर को सीधा रखें और दूसरे को इंटरलॉक फिंगर्स के साथ अपने छाती की तरफ लेकर आएं, और कुछ काउंट्स के लिए होल्ड करने के बाद इसको आप दूसरे पैर पे भी करें। इस आसन को करने से किसी भी तरह की ब्लोटिंग या फ्लैचुलेंस जो आपको अपने शरीर में महसूस हो रही हो वो खत्म होती है, तो आपकी अंतड़ियों में सफाई होती है और कोई भी तरह की गैस हो वो क्लियर हो जाती है। सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में हमारी बीमारियाँ जो पनपती हैं वो हैं हमारे स्टमक की वजह से, हमारे पेट की वजह से। अगर हम अपने पेट का ध्यान अच्छे से रखेंगे तो हम हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे। उसके लिए जब भी आप खाना खाएं उसके बाद कुछ पल वज्रासन में बैठें। वज्रासन में बैठने के लिए अपने दोनों पंजों को जोड़ें और फिर एड़ियों को बाहर की तरफ करके इन पर बैठ जाएं। शुरू में अगर आपको तकलीफ हो तो आप यहाँ पर एक पिलो तकिया रख सकते हैं। शुरू में तकरीबन 2 से 3 मिनट तक बैठें और धीरे धीरे इसकी ड्यूरेशन आप 10 मिनट तक भी ले जा सकते हैं। खाने के बाद इस आसन में बैठने से हमारा पेट ठीक रहता है, सामने से आसन इस तरह से रहता है। तो आशा है कि ये सारे आसन आप ज़रूर आजमाएंगे, इनमें से कोई भी आसन अभी बहुत मुश्किल नहीं है, तो शुरुआत में इन सब से शुरू करें और देखें धीरे धीरे आपका स्ट्रेंथ, आपका स्टैमिना जैसे जैसे बढ़ेगा आप इसको आगे लेकर जा सकते हैं।